जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना टेक्निकल टिंकू सिंह एक और नई वीडियो में आप सब किसान भाइयों का, ट्रैक्टर लवर दोस्तों का, और जो मेस्सी के चाहने वाले हैं मेरे किसान, जो मेस्सी को पसंद कर रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा ट्रैक्टर लेकर आया कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी इस ट्रैक्टर को देख के। ट्रैक्टर जो है किसान के घर का ट्रैक्टर है, किसी व्यापारी का या किसी डीलर का ट्रैक्टर नहीं है। किसान अपना काम कर रहा है इससे, और ट्रैक्टर जब मैं देखने के लिए आया, वीडियो बनाने के लिए, तो तबीयत खुश कर दी ट्रैक्टर ने। सबसे पहले जो अट्रैक्शन का जो केंद्र बना हुआ है ना इस ट्रैक्टर का, वो मैं आपको दिखा दूं कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया मेरे को क्या बात लगी। आप देखो एक बार यहाँ फर्श, एक बार फर्श दिखा भाई। ये फर्श देखो व्हाइट है बिल्कुल, और टाइल लगी हुई है, एकदम नीट एंड क्लीन चमक रहा। और एक बार ट्रैक्टर के नीचे देखो, आपको कहीं तेल की बूंद नहीं मिलेगी ट्रैक्टर के नीचे कहीं भी। इतना साफ सुथरा और इतना सूखा ट्रैक्टर देखने को बहुत कम मिला है। किसान भाइयों, आप सबको पता है कि मेस्सी ट्रैक्टर में जो है तेल टपकने की शिकायत बहुत ज्यादा रहे। तो जब मैं आया और मैंने देखा, मैं इतनी साफ सुथरी जगह खड़ा कर रखा किसान ने, मतलब भाई डरते हैं लोग कि भाई इतना साफ सुथरा फर्श हो रहा, मार्वल हो रहा, तो तेल टपकेगा तो खराब हो जाएगा फर्श। तो उसे कहीं कच्चे में खड़ा करते, जैसे कि आप इधर देख सको भाई नॉर्मल फर्श हो रहा, तो यहाँ खड़ा कर सके था किसान। लेकिन किसान को पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ट्रैक्टर पे, इसलिए उन्होंने यहाँ खड़ा कर रखा। और मेरी तबीयत खुश होगी जब मैं वीडियो बनाना आया, मगर भाई कमाल का ट्रैक्टर है, साफ सुथरा ट्रैक्टर है। अब देखो बाकी बात बाद में करेंगे, सबसे पहले मैं ट्रैक्टर को एक बार स्टार्ट करके दिखा दूं भाई। एक बार यहाँ भी फोकस रहा के जब स्टार्ट होगा, साइलेंसर पे धुआं हुआ तो नहीं दे रहा। और ट्रैक्टर को चला के दिखा देता हूँ, हाइड्रोलिक कंट्रोल दिखा देता हूँ, स्टेयरिंग बता देता हूँ कि भाई कैसा चल रहा ट्रैक्टर। बाकी बातें वीडियो में आगे करेंगे। आप देख सकते हो जब मैंने ट्रैक्टर को स्टार्ट कराया तो ट्रैक्टर ने जरा भी धुआं नहीं दिखाया, और एक्सीलेटर धुआं, कोई धुआं नहीं दिखा रहा ट्रैक्टर। भाई एक बार आ जाए, हाइड्रोली दिखाओगे? हाइड्रोली देखो किसान भाइयों, अब एक बार भाई इधर आ जाए, एक बार और धुआं दिखाना। ऑयल प्रेशर किसान भाइयों, एक बार ट्रैक्टर का ऑयल प्रेशर देखो स्लो रेस पे। यहाँ जो भाई ये वाली घड़ी पे फोकस करना, और मैं आप थोड़ी सी रेस दूंगा, ऑयल प्रेशर भी ट्रैक्टर पूरा दिखा रहा। तो इंजन की परफॉर्मेंस, इसके चलने तय, इसकी आवाज तय आप पता लगा सको। अब मैं एक बार स्लो कर देता हूँ ट्रैक्टर को बिल्कुल, और कपलिंग देखो एक बार इसकी कितनी बढ़िया घूम रही है, और घूमती हुई दिख रही होगी, थोड़ा नजदीक का दिखा दे भाई। उधर तो उधर, और जो मेस्सी जिसके लिए माना गया, एक हमारे किसान की डिमांड थी कि आप बोलते रहो उसकी आवाज नहीं सुनवाते, आप इसकी वो धड़क सुनो जो दिल की धड़कनों को हिला दे ट्रैक्टर की, जिसके लिए मेस्सी जाना गया, ये इसकी आवाज सुनो।
किसान भाइयों, ट्रैक्टर जैसा मैंने चलाया तो मैं तो अपनी बात बताऊंगा भाई, क्लच की बात करूं, गियर बक्से की बात करूं, ब्रेक की बात करूं, या इसके स्टेयरिंग की बात करूं, इसकी हैंडलिंग, यहाँ जो भाई इधर यहाँ बस, तो भाई ट्रैक्टर बिल्कुल बढ़िया जवाब दे रहा, ना कहीं कोई मुझे शिकायत लगी, ना इसमें मुझे कुछ वो लगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी के ट्रैक्टर हो ना, बिल्कुल बढ़िया साफ सुथरे और जिसमें कोई आवाज नहीं होती, वैसा ट्रैक्टर लगा मुझे। और ऑयल प्रेशर भी ट्रैक्टर बहुत बढ़िया दिखा रहा। अब साफ सफाई और साफ सुथरे की बात करूं तो इंजन ट्रैक्टर का बिल्कुल सुक्का है भाई जी, एक बार दिखाओ आके दोनों साइड से किसान भाई, इसका इंजन देखो कितना सुक्का इंजन है, कितना साफ इंजन है। और अगर इसकी स्टेयरिंग रोड की बात करूं, दूसरी साइड से भी देख लो, इंजन बिल्कुल साफ सुथरा और सुक्का इंजन है। अब इधर एक बार जैसे इधर ही आ गए तो स्टेयरिंग रोड और नीचे की रेडियस रोड दोनों बहुत साफ सुथरी हैं, कहीं से बैंड नहीं ना कहीं से कोई वेल्डिंग हो रखा। और भैया इसमें आप देख सकते हो सिम्पसन का इंजन है, ये लिख रहा सिम्पसन, नीचे से दिखा दे, ये सिम्पसन लिखा हुआ है किसान भाइयों। और जैसा कि हमारे किसानों की डिमांड रहे है कि भाई इसमें एक फरसे वाला मार्कर है, देखो मुझे नहीं पता ये फरसे वाला है या मछली वाला, आप एक बार ये मार्कर भी दिखा दो, ये मार्कर भी है इस ट्रैक्टर पे किसान भाइयों, ये देखो ये मछली का मार्का बोलते हैं इसे। तो ये जो ट्रैक्टर है ये प्योर मद्रासी मान्य जहाँ, और ये ट्रैक्टर जिन पर कुछ ऐसे मार्क कोई निशान बना रहे तो वो बहुत बढ़िया ट्रैक्टर हो। अब अगर मैं इसकी बात करूं ट्रैक्टर की टायरों की, जैसे पीछे वाले टायर ही हैं किसान भाइयों, ये 40-45 पैसे टायर हैं, बिरला कंपनी के टायर हैं, बिरला शान के। और ट्रैक्टर में जो टायर हैं वो उनमें कहीं कोई कट नहीं लग रहा, बहुत साफ सुथरे टायर हैं। और 12x28 टायर का साइज है, और टायर की जो मैन्युफैक्चर डेट है कि भाई कब के मार के हैं टायर पे, वो भी हम आपको दिखा देंगे। पीछे वाले रिम की बात करूं तो बहुत साफ सुथरा, कहीं से डैमेज नहीं, कोई वेल्डिंग नहीं, कोई डेंट नहीं पड़ा हुआ। बाकी अगर बात करूं इसके पैंट की तो रीपेंट ट्रैक्टर है किसान भाइयों, लेकिन पैंट भी बहुत बढ़िया हो रखा है, आपको पता नहीं चलेगा कि ये रीपेंट ट्रैक्टर है, चाहे इंजन की बात करें चाहे इसकी बॉडी की बात करें, स्टिकर वगैरह इस पर सारे प्रॉपर लगे हुए हैं। फ्रंट अगर इसके टायरों की बात करूं तो 35-40 पैसे फ्रंट टायर भी हैं इसके, ये MRF कंपनी के टायर हैं, और इन पे भी 2011 का मार्का है टायरों पे। और आगे अगर इसके बम्पर की बात करूं तो बम्पर भी किसान ने बहुत बढ़िया शौक में लगवा रखा है, बीच में स्टील के पाइप हैं। मैंने मैसी पे बम्पर तो बहुत देखे, लेकिन इस तरह का इतना साफ सुथरा और थोड़ा डिजाइन थोड़ा हटके लुक, मतलब प्यारा लग रहा है ट्रैक्टर पर जम रहा है बम्पर, तो बम्पर भी बहुत बढ़िया और मजबूत किसान ने इस पर लगवा रखा। अब इसकी जो मेन बात है इसका लोगो, थोड़ा नजदीक आओ भाई, ये मेटल का लोगो है जो ट्रैक्टर के साथ पहले आता था, इस पे यहाँ ट्रैक्टर बना हुआ है और नीचे MF मैसी फर्गूसन की अपनी ब्रांडिंग है। पित्तल का लोगो है, ब्रास का इसमें मुझे दिख रहा ब्रास का लोगो है। लाइटें ट्रैक्टर के साथ की हैं, जो पहले आती थी वही लाइटें ट्रैक्टर पे दोनों लगी हुई हैं। तो ट्रैक्टर जो है जहां तक है जेन्युइन कंडीशन पे है, अपनी साइलेंसर कंपनी का ओरिजिनल है। ये वाले टायर की भी बात करें तो वही 40-45 पैसे टायर है, ना सॉरी 35-40 पैसे टायर है, और रिम विम बिल्कुल साफ सुथरा, नट बोल्ट प्रॉपर लगे हुए हैं। इधर भी इसकी स्टेयरिंग रोड और रेडियस रोड बहुत साफ सुथरी हैं, पायदान, इसके ब्रेक पैंडल, क्लच पैंडल, गियर के लीवर, सीट, इवन स्टेयरिंग कंपनी का ओरिजिनल, सब कुछ जैनवन लगा हुआ है। इधर वाले भी टायर की बात करें तो बिरला के, बिरला शान, और देखो मार्के की जैसे हमने बताई थी तो नवंबर 2011 का मैन्युफैक्चर टायर है ये, और टायर बहुत साफ सुथरे हैं, रिम बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन है, कहीं कोई वेल्डिंग नहीं हो रखा, कोई डैमेज नहीं है। हमने आपको इसकी हाइड्रोलिक कंट्रोल दिखा दिए, चला के दिखा दिया, बता दिया, धुआं ट्रैक्टर मार नहीं रहा। अब एक बार हम किसान को बुलाओगे और दो बात करेंगे, अंकल जी वह डब्बी ठाते लाइयो, वो जो खाट पर डब्बी रखी, दो ही बात करेंगे। देखो अगर ओरिजिनल है कोई चीज तो किसान ठोक के अपनी चीज बताओगा। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले तो आप अपना नाम बताओ। नाम मेरा संजीव है जी। गांव? गांव खेड़ा इस्लामपुर है। जिला? डिस्ट्रिक्ट बागपत। डिस्ट्रिक्ट बागपत। अंकल जैसा आपका भी ट्रैक्टर है, कितने साल तक आपके पास में ट्रैक्टर है ये? ये 8 साल हो गए मेरे पास। 8 साल। सबसे पहले तो हमारे किसानों को इसका मॉडल बता दो। मॉडल इसका 94 है। 1994 मॉडल। 94 है। हाँ। HR 10, मतलब सोनीपत का नंबर सोनीपत है, का नंबर है। हरियाणा सोनीपत का हरियाणा। नंबर है, 410 लोकल नंबर ही हो गया है ना। ट्रैक्टर हमने देखा आपने वहां फरस पर मार्बल पर खड़ा कर रखा, और ट्रैक्टर में कहीं कोई बूंद नहीं आ रही तेल की किसी भी किस्म की। इधर को मुंह कर लो जी थोड़ा सा। तो
इतना साफ सुथरा ट्रैक्टर है, स्टार्ट कराया इंजन तय, गेयर बक्से तय, कहीं कोई आवाज नहीं ट्रैक्टर में, जैसे ट्रैक्टर हिले रहे हैं, बजे रहे हैं, तो उस टाइप का ट्रैक्टर नहीं लगा। ये पहले भी अच्छी जगह था। अच्छा जी, देखभाल इसकी अच्छी, हम भी देखभाल अच्छी करिए, जी लगा के काम करवाया। हाँ जी, इसमें कहीं टपक वपक कहीं कुछ नहीं है। अब अगर इसकी जो सबसे मेन चीज है, इसके इंजन, इसके में कितने पैसे इंजन होगा? इसका इंजन है कम से कम 85%। 85, देखो मैं वही कह रहा था, मुझे इसका इंजन जो है 90 तक ऊपर लगा, क्योंकि अंकल जी मैं भी दुनिया में ट्रैक्टर देख रहा हूँ आजकल, खूब ट्रैक्टर चला रहा, मुझे इसमें 90 पैसे के आसपास इंजन लगा। और आपने वही जेन्युइन बात बताई, आपने थोड़ा सा कम ही बताया, तो ये विश्वास वाली बात हो जो किसान किसान के लिए रखे है। अब जैसा आपने इस ट्रैक्टर को बदलने का मन कर लिया, तो एक डिमांड हो ट्रैक्टर की, तो वह क्या डिमांड आपने रखी इसकी? इसकी डिमांड रखी है 1,60,000 रुपये। 1,60,000। अब अंकल जी जैसा ट्रैक्टर तो आपका बढ़िया है, हमने भी देखा, पर जैसा मैसी तो है ही, सादा मैसी है, जो इसकी खूबी जानता है, जिसे इसके बारे में पता, वो तो कुछ बोल लेगा नहीं, लेकिन हमारा फर्ज है जैसा किसान है, तो 1,60,000 थोड़े से कैडे पैसे मांगे आपने, लेकिन मुझे यूँ बताओ इतने कैडे पैसे मांगने का रीजन क्या है? इसका रीजन ये हुआ है, एक तो इसमें काम बहुत अच्छी तरह जी लगा के करवा रखा। अच्छा जी, कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं टपक नहीं है, कुछ नहीं है। आप इस ट्रैक्टर की गारंटी लोगे? जो इस ट्रैक्टर को चलाएगा वो खुश हो जाएगा, फुल गारंटी मेरी है। अच्छा जी, कहीं कहीं की गारंटी आपकी? हाइड्रोलिक की, इंजन की, स्टेरिंग की, मतलब हर तरीके की, आप हर तरीके था, मतलब इसमें कोई ट्रैक्टर में कमी नहीं है? कमी नहीं है, फुल जिम्मेदारी मेरी है। आंख बंद करके ले जाओ किसान, बंद करके ले जाओ, जो चलाओगा। अब जैसा 1,60,000 आपने डिमांड रखी अंकल, ट्रैक्टर तो हमने देखे सादे मैसी, 2-2 लाख के भी हैं, 2.25 लाख के भी हैं, 1,60,000 अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, जैसा मैंने चलाया, देखो आपकी चीज़ आप कुछ भी मांग सकते हो, बाकी किसानों को भी पता है कि भाई जो चीज़ बढ़िया होगी किसान उसके ठोक के पैसे मांगेगा। आप ये बताओ अंकल जी, जैसा 1,60,000 मांगी, उसमें कुछ मान सम्मान की गुंजाइश है? हाँ, जो लेगा उसके मान सम्मान रखा जाएगा। हाँ बस, तो एक बार हमारे किसान भाइयों को अपना मोबाइल नंबर बता दो। मोबाइल नंबर है 99-27-94-72-61। किसान भाइयों, ये नंबर मैं अंकल जी का वीडियो में भी लगा दूंगा, और गांव खेड़ा अटाना, जिला बागपत में इनका घर है, संजू इनका नाम है, संजीव, मैसी ट्रैक्टर 1994 मॉडल, हरियाणा सोनीपत का नंबर। और उम्मीद करते हैं किसान भाइयों, जो जानकारी हमने आपसे साझा करी उससे आप लोग संतुष्ट होंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे लग नहीं रहा कि अगर किसान लेकर जाएगा तो उसे कोई पैसा कहीं लगाना पड़ेगा। कई बार हम ट्रैक्टर खरीद कर लाए हैं और हम ही सोचे हैं कि इसमें 5-10 हज़ार रुपए हमें लगाने पड़ेंगे, भाई इस ट्रैक्टर में मैं भी गारंटी ले रहा हूं, आपको कोई पैसा लगाना नहीं पड़ेगा, आप ले जाओ आंख बंद करके अपना काम करो, 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं, इसमें ट्रैक्टर में सारा काम हो रखा, ये बजा हुआ हिला हुआ ट्रैक्टर नहीं है, ना कहीं से गड़ रहा ना सड़ रहा। अंकल जी कोई और ऐसी बात जो ट्रैक्टर की हमें ना पता हो? मैं तो इसीलिए बेच रहा, मैं दूसरा ट्रैक्टर ले लिया नया। अच्छा जी, इसीलिए बेच रहा, ना मैं ज्यादा इसका बेचने का इच्छुक नहीं था। अच्छा, आप इसीलिए बेच रहे क्योंकि दूसरा ले लिया, कौन सा लिया अंकल जी? 241 मैसी, 241 लिया। ठीक, तो किसान भाइयों उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपसे साझा करी उससे आप लोग संतुष्ट होंगे। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।